हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी ट्रैवलर एंड आई एम योर फ्रेंड टनल पटेल। सो आज है 1 नवंबर और आज वलसाड़ के एक बाइक ग्रुप के साथ राइड प्लान हुआ है और आज का जो डेस्टिनेशन है वो है दुधनी। सो आज मैं उन लोगों से पहली बार मिलने वाला हूँ पूरे ग्रुप से, तो देखते हैं। फिर मेरे साथ निकुंज है, मेरा पुराना साथी, और आज कुछ नए साथी भी जुड़ेंगे। और आपको एक टाइम अपडेट देता हूँ, बजे है 6 और डेस्टिनेशन है हमारे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर जैसा है। सो कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है पहुंचने की। तरल्ला बाजू मनन भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ ओके 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 સારું, પછી બધા સાથે ઓળખાણ કરાવજો તમે, ઓકે। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग हो चुकी है, पीछे मनन भाई है, आगे एक भाई है जो लीड कर रहे हैं और आगे भिलाड़ में जाके टी ब्रेक करेंगे, वहाँ पे सबसे जान पहचान करेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडे। ये बरसों से एक ड्रीम था कि हमारा भी कोई बाइक ग्रुप हो, हम लद्दाख है, स्पीति है, ऐसी ट्रिप करें। सो आज एक कदम हमारे सपने से एक कदम नज़दीक पहुँचे हैं। होप कि लद्दाख बाइक ट्रिप करने का मौका, लद्दाख का जो रूट है वो जल्द ही करने का मौका मिलेगा इस ग्रुप के साथ। अभी करीबन 6 हुए हैं और हम लोग ने पेस पकड़ लिया है। टोटल आज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 लोग हैं। हालांकि ग्रुप है जो 15-20 लोगों का है। अभी के लिए दिखाने को कुछ नहीं है, तो आपसे मिलता हूँ टी ब्रेक पे। सो अभी हमने क्रॉस किया है बगवाड़ा टोल नागा, इसके बाद वापी और वापी के बाद भिलाड़। भिलाड़ में हमारा टी ब्रेक होगा और उसके बाद ग्रुप से पहचान होगी, उसके बाद आगे राइड कंटिन्यू करेंगे। ट्रैफिक का बहुत इश्यू है। सो हम अभी पहुंचने वाला है भिलाड़ और भिलाड़ पहुंच के थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे
ये बिलहड़ चेक पोस्ट है और यहीं पे कहीं ब्रेक लेना है। बिलड़ ब्रेक नहीं लिया है और हम एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि आज का जो डेस्टिनेशन है दुधनी, वो उसका रास्ता महाराष्ट्र से थोड़ा इजी पड़ता है। तो देखते हैं कहाँ पे टी ब्रेक लेते हैं। सो यहाँ पे हमने टी ब्रेक लिया है, इनसे भी पहचान कर लेते हैं सबसे। यहाँ पे हमारा चाय ब्रेक हो चुका है कंप्लीट और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सबसे मिल लिया, सबसे पहचान भी हो गई। बाय द वे, ग्रुप का नाम है द व्हील एंड व्हीलर्स, जो कि वलसाड़ का एक ग्रुप है। आप इसे, इस ग्रुप का इंस्टाग्राम पेज है, उसे आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए ताकि आप ग्रुप के अपडेट से जुड़े रहेंगे। क्या राइड अपडेट, टी ब्रेक हो गया है, सबसे पहचान भी हो गई है, आगे जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में मैं इन सब से आपकी पहचान करवाते रहूँगा। अभी मैं सिर्फ मनन भाई को जानता हूँ, वो मनन भाई मौका मिला है तो सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ। हालांकि ये छोटी सी राइड है तो कुछ इतना जानने को मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे। तलाश्री ब्रिज आएगा, तलाश्री से हमें लेना है लेफ्ट। ये दुधनी का जो रास्ता है वो गुजरात महाराष्ट्र हाईवे से होते हुए वापस गुजरात में आता है। और अच्छा लगता है ग्रुप में राइड करना, क्योंकि ग्रुप में राइड करने से एक सेफ्टी भी रहती है। ग्रुप राइड के कुछ नियम भी होते हैं जो भी, जिसको भी फॉलो करना होता है, तो हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस है। अभी राइडिंग के दुनिया में हम नए नए हैं, ये सब धुरंधर लोग जिनके साथ रहकर हम अभी सीखेंगे कि राइडिंग कैसे करते हैं। छोटी सी राइड में तो इतना दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन जब आप बड़ी राइड करते हो तो, और स्पेशली जब आप ग्रुप में राइड करते हो, लंबी राइड करते हो, तो आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप यूज़ टू नहीं हो इन सब से तो आपको दिक्कत हो सकती है। सर, हमारा भी कभी लंबी राइड जाने का प्लान हुआ तो उसकी तैयारी हम अभी से धीरे धीरे सीखते हुए करते हैं। सो वेलकम बैक एवरीवन। ओके, अभी राइड अपडेट देते हैं। अभी हम दूधनी नज़दीक ही है,
रास्ता थोड़ा ऑफ रोड थोड़ा अच्छा करके हम पहुंच रहे हैं। कितने बजे? मेरे ख्याल से 8 बज गए होंगे। तो अभी हम दूधनी से 20 या 30 किलोमीटर ही दूर होंगे। सो हम अभी एंटर कर रहे हैं सिल्वस में, संघ प्रदेश। दुधनी भी वन डे पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। शायद से आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन नहीं देखा है और रूट कौन सा लेना है, क्योंकि ये जो रूट है अच्छा है, शॉर्टकट है, थोड़ा ऑफ रोडिंग है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आप ये रूट भी ले सकते हो। तो उसका रूट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर गूगल मैप का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। सो बाजू में है खानवेल रिसोर्ट, सिल्वस में काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा भी प्लेस है। हालांकि मैं नहीं गया हूँ, लेकिन नाम बहुत सुना है। आपको जाना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, अच्छा है। और एक ये है बटरफ्लाई पार्क, ये भी अच्छा है देखने के लिए। दुधनी 19 किलोमीटर, सो हमारी जर्नी अभी 19 किलोमीटर ही बाकी है। और यहाँ से लेना है सीधा। और ये भी रास्ता शायद से वापी होकर आता है। और पिछला वीडियो खोबा का जो था, बहुत लोगों को पसंद आया। अगर आपने नहीं देखा है तो खोबा का वो वीडियो प्लीज़ जाके देखिए। थोड़ा सोशल मैसेज वाला वो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही। सो मेरे चैनल के स्टैट्स ये बताते हैं कि 50 या 55% लोग मेरे चैनल को देखते तो है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अपना सपोर्ट दिखाइए अपने फ्रेंड्स को, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को मेरी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूं। अभी और इम्प्रूव होगा, अभी मोटो व्लॉगिंग में और व्लॉगिंग में मैं अभी नया हूं। सो मेरे पास गैजेट जितने हैं उतने से ही मैं मेरा बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे कंटेंट की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। और यहाँ से होता है घाट सेक्शन स्टार्ट, सेल्टी गोटर गोरटपाड़ा। हालांकि इतने बड़े बड़े घाट नहीं है जैसा सापुतारा, विल्सन हिल और कपराड़ा में है छोटे छोटे। अच्छे, लेकिन आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार आए थे तब तो ये इतना पानी नहीं था। बार पानी कुछ ज़्यादा है दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जिस जगह पे गए थे वो तो पूरा डूब गया है।
फाइनली सुपरमैन। इस बार का पानी बहुत ही ज्यादा बे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे दुधनी, और ये जो पूरा लेक है अभी इतना भरा भरा लग रहा है पानी से। हम लोग समर में आए थे तभी इतना नहीं था, लेकिन अभी अच्छा है। बाइक यहाँ पे हमने पार्क कर ली है पीछे, और दुधनी का एक और मज़ा है कि यहाँ पे बोट से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सामने वो है गुजरात है, और ये है हमारा यूनियन टेरिटरी सिलवासका। अभी कुछ एक्सप्लोर करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन बोट में ट्रांसपोर्ट करने का मौका मिलेगा। सो जल्दी चालू। सो अभी हमने बाइक लगा दी है बोट पे, और अभी बोट में जाएंगे ट्रांसपोर्ट करते हुए। हमको जाना है उस तरफ। यहाँ पे बोटिंग पॉइंट है, अगर आपको करना है तो बोटिंग भी आप कर सकते हैं। अच्छा है लोकेशन।